हेलो एवरीवन, आज का हमारा सवाल है, जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ। तो यहाँ पे देखिएगा, जॉन टेलर इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का सिंपल सा मतलब है WFL के बारे में उस बोल रहे हैं, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है जहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ मिलेगा, WFL के केस में। SFL में तो पेयरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। WFL के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। ये जॉन टेलर इफेक्ट होता है क्या, पहले ये जान लेती है। ये जॉन टेलर इफेक्ट जो है, ये जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो डिस्टॉर्शन आ जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर जॉन टेलर इफेक्ट कह रहे हैं। तो ये जो जॉन टेलर इफेक्ट है, ये कहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा, हमें इसकी बात करनी है। तो ये एक्चुअल में होता है डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ये कब आपको ऑब्जर्व होता है, ये जॉन टेलर जो इफेक्ट है, ये ऑब्जर्व कब होता है, जब अनसिमेट्री आ जाए इन T2g और EG ऑर्बिटल्स, यानी T2g या EG ऑर्बिटल्स में जब अनसिमेट्री आ जाएगा, तो आपका ये क्या होता है, जॉन टेलर इफेक्ट शो करता है। अब एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं। D7 और D8, D4, D9, ये चार ऑप्शन हमारे पास है। तो D7, ये पहले आपका स्प्लिट कर जाएगा T2g में एंड EG में। ये जो T2g में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में दो, मतलब T2g में 3 ऑर्बिटल आते हैं, EG में 2 ऑर्बिटल आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखो, ये WFL है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब WFL। WFL में पेयरिंग नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो है, ये आपका T2g यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, ये तो सिमेट्रिकल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सिमेट्रिकल है। यहाँ पे एक दो कंप्लीटली फिल्ड है और एक आपका हाफ फिल्ड है, तो ऐसे में क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। और जहां पे भी अनसिमेट्री आएगा, वहां पे इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, और ऐसे में हम बोलेंगे कि वहां पे जॉन टेलर इफेक्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे तो शो हो रहा है, आपको बताना नॉट ऑब्जर्व इन बी ऑप्शन में आ जाते हैं, D8। तो D8 में अगेन T2g और EG, T2g और D8 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो जाएगा आपका D8 का कॉन्फिगरेशन। WFL है, चलिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल हम कब बोलेंगे, जब दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, या दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन हो, या दोनों के पास इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, मतलब एक जैसा दिखना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन हो, या फिर एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उसे हम सिमेट्रिकल। और यहाँ पे भी देखो, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिमेट्रिकल है, तो दोनों के दोनों सिमेट्रिकल है। ऐसे में यहाँ पे डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। और आपको बताना भी यही था कि इट इज नॉट ऑब्जर्विंग, तो आंसर आपको मिल चुका होगा ऑप्शन बी। बाय द वे, हम सी और डी की भी बात कर लेते हैं। डी फोर में क्या हो जाएगा, T2g और ये है आपका EG, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे ये तो सिमेट्रिकल है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में क्या हो गया, यहाँ अनसिमेट्री आ गया, अनसिमेट्री आ गया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये भी जॉन टेलर इफेक्ट शो करेगा। और डी ऑप्शन जो है, डी नाइन में आप 1, 2, 3 और फिर यहाँ पे ईजी आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 9। ये तो सिमेट्रिकल है, दोनों सबके सब ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये आपका अनसिमेट्रिकल। और कहीं भी अनसिमेट्री आ जाए, वो T2g में या EG में अनसिमेट्री आ जाए, ऐसे में वो जॉन टेलर इफेक्ट शो करेगा, मीन्स वहां पे डिस्टॉर्शन आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो कौन शो नहीं कर रहा है जॉन टेलर इफेक्ट, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन बी, D8 कॉन्फिग्रेशन। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।